Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. तुम्हें कोमल से शादी करनी है या नहीं करनी है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, लेकिन एक एहसान मुझ पर कर दो, अजनबी हो जाओ। अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो एक अजनबी की तरह मिलो। गरीब गुरबा यतीम मस्कीन लड़की तो शायद वो खुद भी खुदा तरसी में ले ही आती, पर भंगन तो वो फिर भी ना लेकर आती। नूरबानो, तू तो कहे अपन ये सब कौन संभालेगा? वो भोला अभी नहीं है लेकिन कल को हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाथ हटा अपने गलीस। शरई ने कहा हुआ है तेरा भोले के हकूक पूरे कर, खुदा रसूल को खुश रख। तुम कौन हो? तुम्हारा असल नाम क्या है? तुम्हारा बाप दादा कौन था और तुम्हारे बाप दादा का पेशा क्या था? तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी चमड़ी जहां पे अब कोई नहीं रहता और तुम्हारी उस छोटी सी झोपड़ी पे कोई क्यों नहीं रहता, इसके बारे में रोशनी डालूं? ये तुम्हें और रिजवान आई है जो सब कुछ जानते हुए भी अभी तक खामोश है, लेकिन जरा सोचो, अगर भाभी जी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो ये जो तुम इतना इतरा के पूरी हवेली में पंचों के बाल हवेली की चाबियां घुमाती फिरती हो, इस हवेली के छोटे से क्वार्टर में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ना 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 ना, रोना नहीं और ना ही घबराना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे दूसरों के काम में दखल अंदाजी की आदत नहीं है। फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी, समझे? जीते रहो। मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी। ਯਾਰੇ ਡੇਵੇਰੇ ਆਈਆਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਗਲੀਆਂ, ਡੱਬਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਬਲ ਬੱਟੀਆਂ। ਅਕੇਲੀ ਅਕੇਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਮੁਝੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਬ 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 ਬੋਲਾ ਬੋਲਾ ਅਕੇਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਤੁਝੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਠੇਂਗਾ ਇਹ ਲੈ, ठेगा दिखाऊंगा तुझे, तुझे तुझे नहीं लेके जाना, बल बल बट्टिया। इधर इधर देख मीटर, इधर मीटर देख, देख इधर मर गई है, सड़ गई है, मर गई है, सड़ गई है, सड़ गई है ना, सड़ गई, सड़ 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 अकेला जाऊंगा मैं। हाँ, और
बोले को भी बदला लेना है, बोले बदले लिए हैं। हाँ जी मजे मजे यार देवेरे आया टप टप गलियां यार देवेरे आया। अम्मा हम जा रहे हैं, मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे लिए ना कोफ्ते तैयार करके रखना, दवाई खा लो ना, दवाई खाने के बाद बड़ी भूख लगती है। चलो चाचा चलो। चलो चलो चलो। अच्छा देखो ये मर्दाना कपड़े अलग रखो, ये एक जोड़ा और है, और ये हाँ इन कपड़ों को धोने के बाद कलफ लगानी है, और हाँ नील भी लगा देना, पर कपड़े नीलो नील ना करके ले आना। अच्छा। ध्यान से बड़ी एहतियात से इनको तहे लगाओ बांधो। लो बीबी जी चार चादरें और ले आई हूँ। अब इन चादरों को अलग से बांधो, और हाँ देखो कपड़े बड़े ध्यान से इस्त्री करने, मुझे इस्त्री पसंद नहीं आए ना तो खड़े खड़े सारे वापस भिजवा दूंगी। हाँ ए शकूरन वो नीला डब्बा कहाँ? शकूरन जी यहाँ आइए, रखो इधर, इनको भी ठीक से रखो, देखो जमीन पर लग रहे हैं। अपनी बीबी जी को जरा भेज अंदर। वो बीबी जी बुला रही हैं। एक बार फिर जरा गिन लो कपड़े। अच्छा देखो गिनती में गलती मत करना। अच्छा मैं जरा बीबी की बात सुन के करता हूँ। ध्यान से ठीक से धोना, कहीं गंदे धो के ले आओ। जी भाभी। रिजवाना ये कौन सा पतीरा है हा? पूरे कद का मूछो वाला मर्द तुम आंगन में घुसाए बैठी हो। भाभी आपको उसके पूरे कद काट पर एतराज है या मूछों पे? मेरा मतलब है अब धोबी को बुलाने से पहले उसका कद काट, उसकी दाढ़ी मूछ भी देखें। रिजवाना उल्टे जवाब मत दीजिए मुझे, मैं भी आधी जबान मुंह में लपेट के बैठी हूँ, मत खुलवाइयो। क्यों भाभी मैंने ऐसा क्या गजब कर डाला? क्यों औरों के यहाँ कपड़े धोबी के नहीं जाते? मैंने कोई नया दस्तूर डाला है? अरे एतराज धोबी पे नहीं है मुझे, हमारे आंगन में क्यों बैठा है, एतराज इस पे है। अरे अच्छी भली बैठे बैठाई इतने सालों से तो कुछ ना हुआ, अचानक धोबी से कपड़े धुलवाने का क्या हुड़का उड़ गया? अरे भाई धुलवाओ, मेरी बला से मेरी जूती को परवाह नहीं, लेकिन किसी के हाथ उसके मुंह पे दे मारो, उसको अपने घुटने से लगा के क्यों बैठी हो? खुदा का खौफ करें भाभी, ब्याही औरत हूं मैं, अपनी लड़की ब्याहने जा रही हूँ, और पराए मर्द को घुटने से लगाती है मेरी जूती? क्यों जब बाजार जाते हैं तो दुकानदारों के मुंह नहीं लगते, भावताव नहीं करते हम? अगर धोबी को बुला लिया काम समझाने के लिए तो कौन सी इसकी कयामत आ गई? अरे रिजवाना मुझे माफ कर दे, मेरी जान छोड़ दे, जा बाजार जा, घर को बाजार मत बनवा। अरे हद हो गई, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पराए मर्दों को नीच कमियों को अपने घर बिठाए अपने बराबर। अरे मर्द का कोई पता नहीं, बदनीयता हो गया ना तो यार दोस्तों में जाके हमारे घर के ठट्ठे उड़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, हमारे घर में ये होता है वो होता है, फिर अच्छी रहोगी? हाँ हाँ 16 साल की छेल छबीली हूँ ना मैं, जो बाहर जाके दोस्तों को मेरा नाक नक्शा बताएगा। जाहिल औरत है, अकल ही नहीं। मैं तो नुसरत को बोले तो बात करती हूँ। खामोश, आवाज ना आए तेरी, चुप। मैं शादी के बाद तुम्हें और कोमल को भाभी जी के होते हुए हवेली में नहीं रखना चाहता। देखो यार तुम हमारी इज्जत हो, मैं नहीं चाहता कि भाभी जी की किसी तलखी या भोले की किसी भी हरकत से तुम्हें कुछ तकलीफ पहुंचे, तुम्हें बुरा लगे। अब खुद को आपकी सरपरस्ती में दे दिया है, आप जहां कहेंगे वहीं रहूंगा।
डॉक्टर को दिखा लाया? किसको? अच्छा भोले को। हाँ खा दिया। क्या कहता? क्या कहना है, उसके ठीक होने की तो कोई उम्मीद बाकी है नहीं, बस दवा खाता रहेगा तो चलता रहेगा, अफाका रहेगा। अच्छा है ठीक होने की उम्मीद नहीं है, वरना आपके लिए मुश्किलात ही बढ़ेंगी। भोले मेरे लाल, ये ले, ये निवाना ले ले, फिर दवा खानी है। मुझे ना बड़ी नींद आ रही है, मैंने नहीं खाना खाना, मुझे सो जाना ना पहले खाना खा। अरे ए, कमरे में जाके सो जाना, पहले खाना खा ले। और ये देख तेरी पसंद की खीर बनाई है, और जो सालन तो कह के गया था ना सुबह, वही बनाया तेरी पसंद का। नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे खीर। ये जो खीर बनाई है ना, ये जो मेरे अब्बा थे जो फोत हो गए हैं तुम्हारे खावन, उनकी फातिहा पढ़ के मोहल्ले में बांट दो। इतने वाला खा ले मेरे हाथ से मेरा बच्चा। मुझे नहीं करा, नहीं समझ आती है, कब से तुझे कह रहा हूँ नहीं खाने, कब से तुझे बोल रहा हूँ मुझे नहीं खानी है, फिर से जा रहा है, नहीं देख लिया मुझे। मुझे लगता है आपको मेरी ये बात बुरी लगी है। जाहिर है भतीजा आपका बेटे जैसा है, लेकिन यकीन करें मेरी नीयत गलत नहीं थी। नहीं भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे यकीन है तुम्हारी नीयत ठीक है, और तुमने मेरी हमदर्दी में ही ऐसा कहा है। वैसे भी दस्तूर दुनिया है, जितनी मर्जी जान मार लो, पराई चीज पराई है, किसी की अमानत। लेकिन जिसकी अमानत है अगर वो ही ठीक से संभालने के काबिल नहीं है, फिर तो ज्यादा हक आप ही का बनता है ना। लेकिन जिसकी अमानत है वो कभी ठीक भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इम्कान का दर तो हमेशा खुला रहता। तो फिर इम्कान के हर दरवाजे को बंद कर दीजिए, ये कौन सा मुश्किल काम है। भोले भोले उठ जा, देख तुझे पता है अम्मा जी ने खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। भोले 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 अभी सो जाएगा तो फिर रात में नींद नहीं आएगी। भोले उठ। भोले उठ, चल चल उठ जा। नहीं भोले 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 सत्यानाश, ये क्या कर रही हो? सारा रिस्क मकरू कर दिया। आर्टर मैंने तुम्हें मना किया था कि हाथ मत लगाना,
अरे मेरे खुदाया, सब सत्यानाश कर दिया तुमने। एक बार का कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, अब जाओ जाओ जाके बताओ भाभी बेगम को, और मैं भी चुप नहीं रहूंगी। सत्यानाश हो गया इसका। तौबा सफार, तौबा। कितनी दफा मना किया, मजा ले जो लड़की सुन जाए, घुसना इस पर। हर बात की इतनी जल्दी क्यों होती है? अभी भाभी बेगम 100 किस्म के सवाल करेंगे कि खाना पीना अलहदा क्यों किया। तो दे देंगे जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है क्या? तुम्हारी यही जल्दबाजियां किसी दिन मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। कहा भी था कि कुछ दिन गुजारा कर लो। गुजारा? कैसा गुजारा, कहां का गुजारा? एक तो नीच साथ, ऊपर से चोर नहीं। अभी मैं बताऊं ना भाभी बेगम को, तो चोटी से पकड़ कर निकाल बाहर करेंगी उसे। ठीक है, जाओ जाओ और जाकर बताओ, और अगर चोटी से पकड़कर निकाल बाहर ना किया तो क्या, कैसे नहीं निकालेंगे उसे? बिल्कुल निकालेंगे उसे। नहीं, फर्ज करो अगर ना निकाला तो याद रखना रिजवाना बेगम, मैं तुम्हें चोटी से पकड़कर बाहर निकालूंगा। हेलो। तो मोबाइल ऑन क्यों नहीं करती? मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं? मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे तुम ये फोन उठाओगे। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पैदा नहीं हुई हूं इस दुनिया में। और मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे उम्मीद बांधने आया हूं। और देख लो, जैसे तुमने मेरा फोन उठाकर मेरी इस उम्मीद को पूरा किया, उसी तरह तुम मुझसे आज मिलने भी आओगे मेरी एक और उम्मीद को पूरा करने। देखो साहिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान ना करो। वैसे ही जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है, क्यों आजमाइश बनाना चाह रहे हो? नूर, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, और वो भी खुश देखना चाहते हो तो मुझसे दूर चले जाओ ना, मुझसे रास्ता ना रखो, रास्ते में ना आओ ना मेरे। तुमने मेरी बात तो सुनी नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर सिर्फ अपने साथ। अस्सलामुअलैकुम भाभी जी, आपने बुलाया मुझे। हाँ नुसरत मियां, ये क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है भाभी जी? कमाल है, तुम्हारी बीवी ने चूल्हा अलग कर लिया और तुम ऐसे अनजान हो जैसे तुम्हें पता ही कुछ नहीं। ओह, दरअसल भाभी जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गया तो उसने परहेज लिख दिया, गंदम घी मक्खन दूध सब बंद कर दिया, ना ही नमक मिर्च, सब फीका। तो मैंने सोचा कि मैं तो चलो बीमार हूँ, बाकी सब घर वाले फीका खाना क्यों खाएं, सो इसलिए। अरे क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे किसी ने बताया था? और खुदा ना करे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो तुम्हें इतनी कड़ी परहेज बता दी डॉक्टर ने? भाभी जी आप परेशान ना हो, कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको तो पता ही है कि दवा से बेहतर होता है परहेज। अल्लाह तुम्हें सेहत दे भाई,
अल्लाह खैर ही करे। अच्छा मैं ज़रा शकूरन से अपने कमरे की सफाई करा लूँ। तुम्हें पता है वो तो जब तक सर पे खड़े ना हो वो काम सही नहीं करती। तुम बैठो मैं चाय भिजवाती हूँ। शकूरन, ए शकूरन आजा आजा मेरे कमरे की सफाई कर ले। भोले को दवा बकायदगी से दे रही हो? जी। नागा नहीं होना चाहिए और ना ही कोई होशियारी। नूर बानो, मैंने रिजवाना से कहा है अपनी जुबान बंद रखने के लिए, लेकिन मैं जमानत नहीं दे सकता कि वो कब तक अपनी जुबान बंद रखेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। भाभी जी सिर्फ अपने बेटे की खातिर तुम्हें अपना बेटी गरीब और मजबूर समझकर, लेकिन सोचो नूरबाना, जब भाभी जी को तुम्हारी असल हकीकत के बारे में मालूम होगा तब उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होगी। समझ रही हो ना? मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है तब तक जब तक तुम मेरे लिए कोई मसला पैदा नहीं करोगे। जब तक तुम मेरे लिए मसला पैदा नहीं करोगे, मेरे पास तुम्हें इस हवेली से बेदखल करने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी। इसलिए नूरबानो, खुद को महफूज समझो, जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आपसे जिक्र किया था अपने जानने वाले डॉक्टर का भोले के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। कुछ दवाएं लेकर आया हूं मैं उसके लिए, ये भोले को इस्तेमाल करवाएंगे, नतीजे हसब मंशा निकलेंगे। साहिर मियां, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने एक भरोसे के डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा हूं, तुमने खामखा सहमत की। तो क्या आपकी नजर में मैं भरोसे का आदमी नहीं हूं? अरे नहीं यार, मेरा मकसद हर किसी ये नहीं था। भाई तुम तो नाराज ही हो गए, मैं जानता हूं तुम्हारी नियत को। तुमने मेरी हमदर्दी में ही वो मशवरा दिया था, मुझे भला बुरा क्यों लगेगा। लेकिन साहिर मियां, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अपने भले के लिए कर रहा हूं और बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूं। मैंने भी आपकी मदद का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। आप ये दवाएं भोले को दें। देखो साहिर मियां, तो मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। मैं कहना ये चाह रहा था कि क्या हुआ? ये दवा। जी, यही दवा मेरे डॉक्टर ने भी तजवीज़ किया।
कह रहा था मतलूबा नतीज मिले। कैसे है मतलूबा नतीज? वही जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। मुझे तो लग रहा था आप कायल हो गए, इसीलिए मैं दवाई लेकर आया हूं। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी तजबजब का शिकार हैं? साहिर, क्या तुम जानते हो कि ये दवाएं क्यों दी जाती हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं और इनसे कौन से मतलूबा नतीजे हासिल होते हैं? ज्यादा तफसील नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इन दवाओं का असल मकसद क्या है? अगर आप जानते हैं तो ये अच्छी बात है। फिर आप ये भी जानते होंगे कि इन दवाओं से कोई जानी नुकसान नहीं होता है। देखें, कभी कभी मकसद हासिल करने के लिए बड़ा कदम लेना पड़ता है। क्या कर रहा है? तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, मुझे अच्छी लगती है। अब तंग नहीं करना मुझे। तंग कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो बस थोड़ी सी तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, थोड़ी सी। कभी 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 कहती है बुरे मुझे हाथ ना लगा, कभी मुझे कहती है चल मेरे बाल, कभी पड़े धक्के देती है। मैं अम्मा को बैठा हूँ, अम्मा डैडी ढूंढने देंगे। क्या कर रही? चुप कर। ये बातें कोई गला फाड़ फाड़ कर दूसरों को बताने वाली होती है? तू सुन नहीं देती, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा अम्मा को। अम्मा को नहीं कर लूंगा, उस भी मैंने अम्मा कुछ कर लगाई थी। मैंने बताया था कि मुझे कहती है कि मुझे हाथ डाल का। अम्मा बेचारी रो रही थी, रोटी रोटी ना मेरे हाथ चूम रही थी। मुझे कह रही थी कि तेरे हाथ तो साफ है, मेरे लाल तेरे हाथ तो साफ है। डूलन डूलन मजाक कर रही होगी, मैं अम्मा को बनाता मेरे मजाक कर रही हूँ। खुदा के लिए क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहता है? हाँ खुदा के लिए बोले कुछ तो ख्याल कर। ये बातें कोई शोर मचा कर किसी को बताने वाली होती हैं? तो मुझे थोड़ी सी सुन ही देना मेरे बालों की खुशबू। कोमल के अब्बा तो दिन ब दिन साहिर मियाँ के गर्विदा होते जा रहे हैं।
वरना जितना ही अपनी बेटी पे जान छिड़कते थे ना, मुझे तो लगता था इनकी कभी ना बन पाएगी दामाद से। क्यों भाई, क्यों भला? वो इसलिए कि जो बाप अपनी बेटी को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हो, उसे तो हीरे जैसे दामाद में भी ऐब नजर आते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो साहिर मियां की तरफ से हर तरह से मुतमईन। हाँ, लेकिन मेरा इत्मीनान भी ठीक नहीं रिजवाना। जब गैरों में रिश्ते नाते जोड़े जाएं तो इतना लंबा लटकाना नहीं चाहिए कि महीनों लटका ही दिया। अरे भाई, लड़की को रुख्सत करो, काम खत्म करो बीच से। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, बस ये इस ईद के फौरन बाद हम अपना फर्ज अदा कर देंगे। बल्कि अच्छा है ना, कोमल का रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक। और हाँ, कोमल के अब्बा ने जो इन दोनों के लिए नए कमरे बनवाने का सोचा है, वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। कमरे? देखो रिजवाना, मेरी बात का बुरा ना मानना, ये मत समझना कि मैं हवेली भी कोई अपना हक जता रही हूँ या नुसरत मियाँ का हक कम कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं कोमल को भी अपनी बच्ची की तरह समझती हूँ। लेकिन ये जो तुमने घर दामाद वाली बात की है ना, ये कोई मेरे दिल को लग नहीं रही। माफ़ करना, अगर बहू और बेटे के लिए कमरे बनवाती तो एक छोड़ चार कमरे मैं खुद साथ खड़ी होकर बनवाती, मगर ये घर दामाद तो। भाभी, मैं कब घर दामाद रखने के हक में थी? बस ये तो कोमल के अब्बा कहते हैं कि इकलौती बेटी है, उसको भी रुख्सत कर दिया तो फिर हमारा कौन होगा? अरे रिजवाना, दामाद दामाद ही होता है, कभी बेटा नहीं बन सकता, ये बात याद रखना तुम मेरी। अच्छा, तो फिर बहू भी बहू ही रहती है, वो बेटी नहीं बन सकती है, ये हकीकत फिर आप भी तस्लीम कर लें भाभी बेगम। तो इस बात का अब क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो सीधा है भाभी, बाहर से आने वाला या आने वाली पराया ही रहता है, चाहे दामाद हो या बहू। आप अपना सब कुछ अपनी बहू को अपना मानकर सौंप सकती हैं, पर हम अपने दामाद को अपने घर का हिस्सा तक नहीं बना सकते। हेलो नूरी, जानता हूँ तुम नहीं आई, तुम्हारी आवाज आ रही। मैं आऊंगी कल, मुझे तुमसे मिलना है।
बीबी जी क्या सोच रही हैं? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ जो तुझे बताऊं कि मैं क्या सोच रही हूँ? चुपचाप काम कर अपना। आप तो बुरा ही मान गई, परेशान थी इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, तो हकीम है जो मेरे मर्ज का इलाज करेगी या कोई वली है जो मेरी परेशानी दूर करेगी? मैं कहाँ और मेरी औकात कहाँ, मगर सच्ची बात है, अल्लाह के पहुँचे वलियों की बात में बड़ी ताकत होती है। वो बीबी जी, लोग कहते हैं कि भोले भैया किसी पीर की दुआ से हुए। बकवास बंद कर, मेरे अल्लाह की देन है मेरा बच्चा। वो तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने मजारों की खाक छानी, दरबारों की चौखट पकड़ ली, तब जाके आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंची है। बकवास बंद कर, जा यहां से। ध्यान लगा के तस्बीह भी नहीं करने देती नामुराद, जा यहां से। सुबह सुबह ही डांट पिला दी आपने, मैं तो चाहती थी कि आपका दिल हल्का हो जाए, लेकिन अगर नहीं करना चाहती तो ना सही, कोई दुआ दुरूद ही कर ले, कोई सवाब बने, अल्लाह भला करेगा। शकूरन चली जा यहाँ से, मैंने कहा चली जा, चली जा। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। बस आजा राजा कर दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।